यदि आप लोगों का उम्र 18 साल से लेकर 44 साल के बीच में है तो आप लोग भी कोविड-19 वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। तो कैसे करेंगे आज के वीडियो में जानने वाले हैं। तो सिंपल आप लोगों को करना क्या है, गूगल क्रोम ओपन करना है। इसके बाद सर्च बार में आपको सर्च कर लेना है cowin.gov.in। तो मैं फटाफट सर्च कर लेता हूँ। के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाता है एज 18 प्लस रजिस्ट्रेशन ओपन। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आप लोग अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए तीन तरीके से बुक कर सकते हैं। फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन साइन इन योर सेल्फ की मदद से कर सकते हैं, और सेकेंड नंबर में रजिस्ट्रेशन विस आरोग्य सेतु ऐप से कर सकते हैं, और थर्ड नंबर आप अपने नियर बाई हॉस्पिटल में ऑफलाइन भी बुक करवा सकते हैं। आप लोगों को मैं फर्स्ट में बता रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन साइन इन योर सेल्फ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे। तो फर्स्ट वाले में आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप करना है। इसके बाद गेट OTP पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल फ़ोन पे एक OTP आएंगे, OTP आपको फिल करना है। तो आप इसका फिल करने का टाइमिंग को देख सकते हैं, 180 सेकेंड यानी कि 3 मिनट दिया जाता है। यदि आपके मोबाइल फ़ोन पे OTP नहीं आते हैं तो आप यहां से रीसेंट OTP पे क्लिक करके OTP मंगा सकते हैं फिर से, या फिर से सेम प्रोसेस कर सकते हैं। तो सिंपल मैंने OTP की कॉपी किया हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद वेरीफाई एंड प्रोसेस पे क्लिक करना है। देख सकते हैं हमारा यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। तो इसके बाद देख भी सकते हैं आपको सिंपल आपको करना क्या है। आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड मेंबर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप एक साथ 4 मेंबर को ऐड कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले फ़ोटो एंड ID पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। फर्स्ट में आधार कार्ड, सेकेंड में ड्राइविंग लाइसेंस, थर्ड में आपको पैन कार्ड, फोर्थ नंबर पे पासपोर्ट, और फाइव नंबर पे पेंशन, पासबुक, किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट में आधार कार्ड नंबर सेलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर टाइप करना है। इसके बाद नीचे की तरफ आपको मैं फटाफट आधार नंबर टाइप कर देता हूँ, जो कि देख सकते हैं आधार नंबर पर देख सकते हैं 12 डिजिट का आपका होगा। इसके बाद आपको आधार कार्ड पे जो नाम होगा वो आपको नाम टाइप कर देना है। स्पेलिंग आपको मिस्टेक नहीं करना है। यदि आप स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो आप कोविन सेंटर जाएंगे तो प्रॉब्लम आ सकता है। इसके बाद नीचे की तरफ आना है, आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल, तो मैं यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। तो डेट ऑफ बर्थ कैसे सेलेक्ट करना है, यानी कि मान लो कि आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है 1/1/1993, तो आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ ईयर टाइप करना है 1993। कुछ लोगों को ये डाउट है आधार कार्ड नंबर वही नंबर टाइप करना है यहाँ पे जो हमारा आधार कार्ड पे रजिस्टर्ड होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आपके पास आधार कार्ड नंबर, आपके पास मोबाइल नंबर अवेलेबल होगा वो मोबाइल नंबर आप टाइप कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर सिंपल ऐड पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको ऐड हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर चुका था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा नेम आ चुका है, शैलेंद्र कुमार, डेट ऑफ बर्थ भी देख सकते हैं, फोटो ID कार्ड में देख सकते हैं, आधार नंबर भी आधार कार्ड दिखा रहा है, ID नंबर भी यहाँ पर भी देख सकते हैं। इसके बाद क्या करने का, शेड्यूल पे क्लिक करना है, क्योंकि आपको जिस दिन वैक्सीन लगाना होगा तो आपको डेट यहाँ पे सेलेक्ट करना है, किस डेट पे आपको वहाँ पे जाना है, टाइमिंग सेलेक्ट करना है। तो शेड्यूल नाउंस पे क्लिक किया हूँ तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाता है। फर्स्ट में आपको सर्च बाई पिन कोड, सेकेंड में आपको सर्च बाई डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ दो तरह से आप पता लगा सकते हैं आपके नियर बाई में कोविड-19 वैक्सीन कहाँ कहाँ पे लग रहा है। तो फर्स्ट में हम क्लिक करते हैं सर्च बाई पिन कोड पे, और यहाँ पे मैं पिन कोड एरिया पिन कोड मैं टाइप करता हूँ। इसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है और सर्च पे क्लिक करना है। तो जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके नियर में जो भी आपको हॉस्पिटल होंगे जहाँ पे कोविड-19 का वैक्सीन लग रहा है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आप देख भी सकते हैं काफ़ी सारे ऐसे हॉस्पिटल है जहाँ पे कोविड-19 का टीकाकरण चालू है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम एज लिमिट फॉर बुकिंग 45+, यानी कि अभी जो बुकिंग स्टार्ट हुआ है, यदि आपका उम्र 45 साल से ज़्यादा है तो आप यहाँ से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। लेकिन तो फिलहाल में आपको करना क्या है, सिंपल रजिस्ट्रेशन करके छोड़ देना है। तो जैसे ही यहाँ पर आपको 18+ देखने को मिल जाएंगे तो यहाँ से आपको डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग चाहे तो इस तरह से आप लोग कोविड-19 का अपॉइंटमेंट लेटर बुक कर सकते हैं।